हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्वीट कॉर्न चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अक्सर मॉल में हम लोग खा लेते हैं, पर घर पे भी बहुत आसानी से हम इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये स्वीट कॉर्न की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम स्वीट कॉर्न चाट बनाना शुरू करते हैं। स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 बॉल मक्का, जिसे हमने पानी में नमक के साथ उबाल लिया है। 1 प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 1 टमाटर को हमने बारीक काट लिया है। चाट मसाला, ब्लैक पेपर, अमचूर पाउडर, रेड चिल्ली, हरी धनिया की चटनी, नमक, अमूल बटर, अमूल चीज, हरी धनिया को हमने काट लिया है। आधा हमने नींबू का टुकड़ा लिया है। 1 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। तो अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हम एक कढ़ाही रख लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाही में हम 1 चम्मच बटर डालेंगे और बटर को हम पिघलने देंगे। इसे ज्यादा गर्म नहीं होने देना है। बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। तो हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, इसका पानी सूख जाए इतना ही हमें गैस पे भूनना है। तो हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसमें अच्छे से बटर का कोटिंग भी हो जाएगा और उबालते टाइम जो पानी इसने अब्सॉर्ब किया है वो भी निकल जाएगा। तो हम कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, पानी जो है अपना सूख चुका है और मक्के पे अच्छी खासी बटर की कोटिंग हो गई है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कॉर्न को हम एक बॉल में निकाल लेंगे। वैसे हम एक बॉल में अपने कॉर्न को निकाल लेंगे। हमने कॉर्न को निकाल लिया है। अब हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो हमने बॉल में कॉर्न को निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच प्याज डाल रहे हैं। हरी मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार डालिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, धनिया पत्ता, आधा चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच ब्लैक पेपर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और हमने कॉर्न को बॉयल करते हुए नमक डाला था तो हम अंदाज से ही नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसमें हरी धनिया की चटनी डालेंगे। तो इस चटनी को हमने 1 मिर्च, 1 लहसुन, 1 इंच अदरक के टुकड़े के साथ बारीक पीस लिया है। तो आपको ज्यादा चटपटा चाहिए तो 2 चम्मच डालिए, कम चाहिए तो 1 चम्मच डालिए। अब हम इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो इसका हमने बीज निकाल लिया है, अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। इससे ये बहुत ही चटपटा तैयार होता है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने चाट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हम एक बॉल लेंगे और इसमें चाट को ऐसे सर्व करेंगे।
ये बहुत ही चटपटी चाट तैयार होती है और बनाना तो इतना इजी है कि कभी भी आपको बनाने का मन हो बना सकते हैं। अब हम चाट के ऊपर चीज ग्रेट करेंगे। तो हमने अमूल चीज लिया है, इसे एक ग्रेटर की मदद से इस पे ग्रेट करेंगे। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, हमने चीज ग्रेट कर ली। चीज के ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और उसके ऊपर से हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया कॉर्न चाट बनकर तैयार हुआ है। स्वीट कॉर्न चाट बनकर तैयार है। इसे आप कभी भी टी टाइम पे इवनिंग स्नैक में बना के खा सकती हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आपने मॉल में तो खाया ही होगा, पर एक बार घर पे बना के ट्राई कीजिए। बच्चे बड़े इसे बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये चाट की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।